तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा है। हफ्ते में तीन दिन सत्संग होता था और मैं आपको बताऊं इस सत्संग की शोभा बड़ी निराली थी कोई सत्संग नहीं जहां इस प्रकार के नियम हो वो नियम कौन से थे सबसे पहले तो खान पान की चुदी, दूसरी बात कभी रोना नहीं रोती है विधवा ये बाबा के शब्द थे दुख के आंसू कभी नहीं बहाने हैं प्रेम के आंसू भली बहा दुख के आंसू नहीं बहाने हैं और तीसरी बात ये थी अगर कोई किसी भी कारण से करवा शब्द बोलता है या किसको दुख देता है तो ये भी वास्तव में होना नहीं चाहिए ये तीन बातों की शर्त थी और हर एक को कापी मिलती थी घर ले जाने के लिए और इन तीन बातों का रिस्पॉन्ड जब आते थे तो दो बहनें पैरे पर रहती थी कुर्सी बिछा के उसमें एक तो हमारी बड़ी दीदी थी वो कापी लेती थी और दूसरी एक बहन थी शांता दादी की भाभी सबसे कापी लेती थी और कापी करेक्शन करती थी और वापसी में उनको देती थी भला ऐसा कभी सत्संग होता है क्या लोग जाते हैं कथा सुन के चले आते हैं लेकिन शुरू से ही बाबा ने ऐसे नियम वाले लोगों को बुलाया कि बहुत भीड़ भी ना हो और आते ही जीवन में कुछ धारणा बन जावे ये नहीं सुन करके घर में फिर वैसे के वैसे हो जावे तो स्थापना का कार्य जो शुरू में से हुआ इस तरह से हुआ लोग बहुत खुश होने लगे एक दो के द्वारा बड़े बड़े सब लोग आने लगे और सबको बहुत अच्छा लगता था हमारी मातेश्वरी और भी हमारी बहनें जो आज है वो भी छोटी अवस्था में थी वाइट ड्रेस पहन करके सब आते थे सिंध देश में एक ये भी रस्म थी अगर किसी का लौकिक पति मर जावे या बड़ा बेटा मर जावे तो वो शोक के कपड़े बारह मास पहनती थी तो सत्संग का ये नियम था कि यहां शोक के कपड़े पहन के नहीं आना है जिसको आना है व्हाइट कपड़े पहन करके आवे व्हाइट ड्रेस में आवे तो ये भी माताओं ने जैसे धारण कर लिया कि हमको शोक के दुनिया में न रहना है और न शोक की ड्रेस पहननी है ये भी सबको मंजूर था इस प्रकार से इतना सत्संग बढ़ गया जो बड़े बड़े हॉल बाबा के दो थे उसके बीच की दीवार भी तोड़नी पड़ी काफी लोग आने लगे और बहुत खुश होने लगे परंतु धीरे धीरे अन शुद्धि का ज्ञान तो मिल गया लेकिन पवित्र जीवन भी अपनानी है अगर देवता बनना है तो तो बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा इस बात का भी इशारा दिया भला कोई ऐसा सत्संग होता है क्या जा आज क्या मिले ये धारणा मिले लेकिन ये तो बिल्कुल न्यारी निराली बात है ना क्योंकि बाबा आया ही है पावन दुनिया की स्थापना करने अब जब ऐसी बातें धारणा में आने लगी तो थोड़ा लोगों के मन में हलचल आने लगी कि भाई ऐसा भी क्या ग्रस्त जीवन में अभी भी ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा चलो हम लोग तो कर लेंगे लेकिन ये जो आज की लड़कियां हैं हम लोगों के लिए कहते थे कल ये भी कहेंगी शादी हमको नहीं करनी है फिर क्या होगा और उनके मन में ये भय था क्या कि ये दादा बाबा को कहते थे ये तो दादा अवस्था वाला है ना क्योंकि आप सबको तो मालूम है साठ वर्ष में तो लोग वानप्रस्थ अवस्था को धारण करते हैं और यहाँ साठ वर्ष के अंदर ही शिव बाबा ने ब्रह्मातन में प्रवेश करके इतने बड़े बच्चों की जिम्मेदारी ब्रह्मा बाबा को दे दी कितना बड़ा काम दे दिया तो लोगों के मन में ये आया गया संशय कि ये दादा वृद्धावस्था वाला है कब तक तुम लोगों को खिलाएगा कल ये न रहे तो आप लोगों के जीवन का क्या होगा तो इस रीति से उन्होंने अब सब लोगों के ऊपर धीरे धीरे रोक ठोक लगाना शुरू कर दी समझा लेकिन एक बड़ी निराली बात थी बाबा ने एक सबको कह रखा था कि आप अपने लौकिक परिवारों से एक पत्र लिखा के ले आओ कि मैं अपने बेटी को अपनी पत्नी को अपनी बहू को या अपनी माँ को जो भी जिसका रिश्ता है इस सत्संग में आने की खुशी से छुट्टी देते हैं भगवान को तो पहले से पता ही था इन बातों का ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान नहीं था शिव बाबा ने प्रवेश किया तो वो जो कार्य ब्रह्मा बाबा से कराता रहा अब पत्र लिखने में भी लोग आना कानी करने लगे का सत्संग है भली आओ और जाओ ना। किसी सत्संग में ये थोड़ी लिखाया जाता है कि भाई हम खुशी से छुट्टी देते हैं लेकिन भगवान को तो पता था ना आगे क्या होने वाला है तो जब भी वो रोकते थे हम लोगों को तो हम कहते थे हम अपने आप थोड़ी गए हैं आपने तो छुट्टी दी है ना तो वो हैरान होते थे हमने तो खुद ही अपने हाथों को काट लिया अब क्या करेंगे तो ये सबके पत्र रखे हुए थे ऑफिस में संभाल करके रखे हुए थे लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम इन पत्रों को खत्म करें कैसे करें तो जहां ये पत्रों की वो बेटी रखी हुई थी उसको आग लगाने की उन्होंने कोशिश की रुई में तेल डाल करके खिड़की से उन्होंने रुई को फेंका तो आग लगेंगी लेकिन ड्रामा का अजब राज है अचानक ही किसकी नजर पड़ गई बाहर गैलरी से कि किसी ने आग लगाई है जल्दी दरवाजा खोला और आग को बुझाया उसका गायन है शास्त्रों में कि लाखा भवन को आग लगाई ये गायन है लाखा भवन माना बाबा का नाम दादा लेखराज था शुरू में तो लखी राज लेखराज उसके नाम से गाय नायक ला का भवन को आग लगाई सुना लेकिन आग तो लगनी थी थी नहीं तूने प्यार दिया